ये भारत का बजट है, ये उम्मीदों का बजट है, उम्मीद टैक्स पेयर्स को, उम्मीद महिलाओं को, उम्मीद सैलरीड क्लास को, उम्मीद किसानों को। लेकिन अब से 3 घंटे के बाद जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पिटारा खुलेगा, तब देश को पता चलेगा कि आखिरकार किसके उम्मीदों को लगते हैं पंख। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो यही कि तमाम उम्मीदें और पूरा देश इस वक्त मानो उम्मीद भरी निगाह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टकटकी लगाए बैठा है। और सीतारमण वित्त मंत्री जो कि आज के दिन एक इतिहास रचने वाली है, इतिहास इस लिहाज से क्योंकि लगातार 7वीं बार वो बजट पेश करेंगे। इससे पहले मुरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार बजट पेश किया था, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उनके रिकॉर्ड को पार कर जाएंगी जब आज वो 7वीं मर्तबा बजट पेश करेंगी। सबसे बड़ी बात कि मोदी 3.0 का ये पहला बजट होगा। चुनावी दौर में आपने देखा कि तमाम तरह के वादे किए गए, तमाम तरह के दावे किए गए, लेकिन आज जब दिन है उन वादों को किस तरीके से अमली जामा पहनाने का, तो आखिरकार सरकार कैसे अहम कदम बढ़ाती है वो देखना होगा। लेकिन बड़ी खबर यही कि आज पेश होगा मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट। बजट पेश करने के दौरान निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड बनाएंगी जिसका जिक्र लगातार हो रहा है। मुरारजी देसाई के रिकॉर्ड को वो पीछे छोड़ देंगी, लगातार सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का वो रिकॉर्ड बना लेंगी वित्त मंत्री के तौर पर। निर्मला सीतारमण का ये 7वां बजट होगा। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी हैं, उनके नाम ऐसी कई सारी उपलब्धियां हैं। और आज एक और उपलब्धि जो कि उनके साथ जुड़ जाएगी, आज वो 7वीं मर्तबा बजट पेश करने वाली। इससे पहले 5 बार उन्होंने पूर्ण बजट पेश किया था और एक एंट्रिम बजट उन्होंने पेश किया था। याद कीजिए 1 फरवरी का दिन जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से देश का अंतरिम बजट पेश किया गया था। हालांकि उस वक्त कई सारी बंदिशें थी क्योंकि चुनाव में जाना था और इसी वजह से लोक लुभावन वायदे उस तरीके से नहीं किए गए। लेकिन अब जब सरकार के पास मौका है कि उन वादों पर किस तरीके से कदम बढ़ाना है, खासतौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रोज खुद इस बात का जिक्र किया था कि विकसित भारत के सपनों की ये बजट नींव रखेगा, तो ऐसे में सबकी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सीधे आपको ले चलते हैं ग्राउंड जीरो, पूजा यादव निर्मला सीतारमण के आवास के ठीक बाहर से मारते हैं। और पूजा, हलचल बढ़ी क्या, क्योंकि अब से कुछ देर के बाद ही निर्मला सीतारमण अपने आवास से बाहर निकलेंगे। देखिए बिल्कुल हलचलें बढ़ चुकी हैं, मैं तस्वीरें आपको जरा एक बार दिखाना चाहूंगी। आप उधर देखेंगे उस तरफ बैरिकेडिंग हो चुकी है, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो इस वक्त यहाँ पर डिप्लॉय हो चुकी हैं। और क्योंकि बहुत ज़्यादा इंतजार अब है नहीं, कुछ देर का इंतजार है जब वित्त मंत्री बाहर आएंगी, अपने जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ में मिलेंगी, फिर जो राज्य मंत्री हैं उनके साथ में मुलाकात होंगी, फिर वो राष्ट्रपति भवन जाएंगी, उसके बाद में फिर वो संसद भवन जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और जैसा मैं इससे पहले जिक्र कर रही थी कि इस बार का बजट जो है वो उम्मीदों वाला बजट है। और दूसरी बड़ी बात ये कि जो बजट होगा वो सिर्फ इस बार के लिए नहीं होगा, बल्कि हम जब बात करें कल पीएम मोदी की, अगर बात करते हैं पीएम मोदी को, आपने सुना पीएम मोदी ने भी 2047 का जिक्र किया। इसके अलावा रोजगार की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है, युवाओं की बात हो रही है, उम्मीदें एजुकेशन सिस्टम को लेकर भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी है, क्योंकि जॉब्स जाहिर तौर पर इस वक्त उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरा अग्निवीर योजना को लेकर भी माना जा रहा था कि इस बार कुछ हो सकता है, आयुष्मान योजना को लेकर भी प्रोविजंस रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो वृद्ध हैं उनके लिए जो उम्र सीमा बढ़ाई गई, तो वो सारे ये जो मैटर्स हैं इसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और बड़ी बात यह है कि क्योंकि अब बस कुछ ही देर का इंतजार होगा, तस्वीरें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि आखिरकार इस बार के बजट में क्या रहने वाला है। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करेंगी, अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और पिछले सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड वो कायम करने जा रही हैं। बहुत सारी उम्मीदें हैं आमजन, देखिए अगर आमजन की बात करते हैं तो सबसे पहले लोगों की अगर चॉइसेस की बात करते हैं तो वो बात करते हैं टैक्स स्लैब। तो टैक्स स्लैब में माना जा रहा है कि इस बार हो सकता है छूटो, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का ये तीसरा कार्यकाल है और तीसरे कार्यकाल में एक्सपेक्टेशंस भी लोगों की उस लिहाज से ही बहुत ज़्यादा हाई हैं। और सरकार को भी जाहिर तौर पर अब ये संदेश देना है कि इस बार हम एक और नई एनर्जी के साथ में आए हैं। और क्योंकि देखिए बड़ी बात यह कि 100 दिन के जब एजेंडे की बात हो रही थी तो 100 दिन में ऐसा कुछ अभी तक बड़े डिसीजन देखने को नहीं मिले, तो माना यह जा रहा है कि इस बजट में जरूर कुछ ऐसा बड़ा हो सकता है जिसकी उम्मीद इस वक्त की जा रही है। लेकिन आधी आबादी के लिए क्या पूजा, क्योंकि लगातार आधी आबादी का जिक्र होता है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, क्योंकि पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं महिला और ये भी एक उनके नाम पर उपलब्धि दर्ज है। लेकिन आज के बजट से जो 4 जातियों का जिक्र जिसका हम लगातार जिसके बारे में बात होती है, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो युवा हों, चाहे वो अन्नदाता हों या फिर महिलाएं, ऐसे में महिला वर्ग आज के दिन वित्त मंत्री से क्या उम्मीदें पाले बैठा है? देखिए अगर महिलाओं की बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण
जो कि एक अहम विषय है, महिलाओं के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें इजाफा हो। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनके लिए देखिए ऑलरेडी कितनी सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे ड्रोन योजना की बात करते हैं, आपने देखा कि पिछली बार खुद पीएम मोदी ने ड्रोन योजना को कितना ज़्यादा प्रमोट किया। महिलाओं को सशक्त कैसे बनाया जाए उस पर लगातार फोकस किया जा रहा है, महिलाओं की भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। और देखिए जो तमाम रिपोर्ट सामने आए उस रिपोर्ट्स के अंदर भी लगातार जो अभी तक इनपुट्स मिलते हैं वो ये हैं कि जो महिलाओं की सक्रिय भागीदारी है उसमें इजाफा हुआ है। तो जाहिर तौर पर इस बार भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जब इस बार का बजट पेश होगा तो महिलाओं की भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए, इकोनॉमी में देश की इकोनॉमी में महिलाओं की भूमिका कैसे बढ़े, उनको सशक्त कैसे बनाया जाए। हालांकि देखिए माना जा रहा है कि कोई ऐसी और जो योजना है वो तो नहीं आने वाली, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि जो पिछली योजनाएं हैं उनके बजट में इस बार इजाफा किया जाए, उनके दायरे को इस बार बढ़ाया जाए। जैसे देखिए किसान सम्मान निधि की बात करते हैं तो उसमें माना जा रहा है कि इस बार हो सकता है कि रकम बढ़ा दी जाए। तो ऐसी महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं माना यह जा रहा है कि हो सकता है उनके लिए बजट बढ़ाया जाए या फिर उनका दायरा। ठीक, कुछ रिएक्शन सामने आ रहे। पंकज चौधरी सर, कैसा बजट होने वाला है? दूर है मैं मेरा सर, क्या आम लोगों की उम्मीदों का बजट है? किसानों के लिए कोई स्पेशल स्कीम क्या कर दिया? निर्मला सीतारमण जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वहीं पर तमाम सवालों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन हलचल क्योंकि इस वक्त बहुत तेज है और अब से कुछ देर का इंतजार और करना होगा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने आवास से बाहर निकलेंगे। लेकिन आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और लगातार इस बात पर हम जोर दे रहे हैं कि आखिरकार आज के दिन जो टैक्स पेयर्स हैं उनको कितनी राहत मिलती है, और सबसे बड़ी बात है जो महिला हैं, जो गरीब हैं, जो किसान हैं, वो इस वक्त उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आखिरकार सरकार की तरफ से उनको क्या राहत दी जाती है, इनकम टैक्स लाभ। और देखिए क्योंकि सरकार की तरफ से ये प्रावधान किया गया था कि ओल्ड रिजाइम और न्यू रिजाइम की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी पुरानी व्यवस्था में ही हैं, तो आखिरकार उनके लिए क्या कोई राहत दी जाती है या फिर इसके अलावा और क्या प्रावधान किए जाते हैं, बजट की क्या खास बातें होंगी वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। लेकिन क्योंकि महिलाओं का हम जिक्र कर रहे थे और जिस तरीके से पूजा ने इस बात का जिक्र किया कि जो अभी कॉन्टिन्यूशन देखने को मिल रहा है, संभव कि सरकार उसी दिशा में आगे बढ़े, और इससे पहले भी एंट्री बजट में भी ये झलक देखने को मिली थी सरकार की तरफ से, कई सारे जो बातें हैं वो कही गई थी। आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए 83 लाख स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 9 करोड़ महिलाओं में से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया था, ऐसी तमाम चीजें थी। लेकिन पूजा आज के दिन देखना यह भी बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि निर्मला सीतारमण का बजट भाषण कितनी देर का होता है, क्योंकि जब इतिहास के पन्ने हम देखते हैं निर्मला सीतारमण के नाम पर तो ये भी रिकॉर्ड है कि उन्होंने सबसे लंबा बजट भाषण दिया था। हालांकि इतिहास में ऐसे मौके भी आए हैं जब बजट भाषण सिर्फ और सिर्फ 800 शब्दों में ही सिमट गया था। देखिए जाहिर तौर पर सबकी निगाहें इस बात पर भी टिकी हुई हैं, और आपको याद होगा हम लोग भी इसी को लेकर बात कर रहे थे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब अपना बजट पढ़ना शुरू करती हैं, देश का बजट पढ़ना शुरू करती हैं, तो वो बजट कितना लंबा खींचेगा इसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल होता है। और क्योंकि पिछली बार के जब रिकॉर्ड ही टूट रहे हैं, सातवीं बार वो बजट पेश करने जा रही हैं, और दूसरी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल है, तो जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि हर एक एक आम आदमी का ख्याल इसमें रखा जाएगा, और जिन चार जातियों का जिक्र आपने किया खासतौर पर उन पर फोकस किया जाएगा। लेकिन जो अभी तक बातें सामने आई वो ये कि कुछ ऐसी नई घोषणाएं या कुछ नए ऐलान इस बार के बजट में नहीं होने वाले हैं। कोशिश ये होगी कि जो पुरानी योजनाएं हैं उन्हीं के दायरे को कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि सरकार जिस तरीके से बजट के लिए देश चलाने के लिए पैसा जुटाती है, फिर उस पैसे का आवंटन किस तरीके से किया जाए, GDP ग्रोथ में कैसे इजाफा किया जाए, इस पर लगातार पूरा फोकस है। 2025 की बात करते हैं तो जिस तरीके से एक अनुमान है खुद अब वो जो GDP लोग 8.5% तक जाने वाली है, तो इस तरीके से देखा जाए तो उस GDP को पाने के लिए एक समावेशी बजट ये इसको पूरा तरीके से बनाने की कोशिश जरूर की गई होगी। और क्योंकि जो इस वक्त मौजूदा हालात है, मौजूदा हालात के अलावा 2047 का भी ख्याल रखना है, आम जन की उम्मीदों का भी ख्याल रखना है, इसीलिए
ये माना जा रहा है कि सभी चीजों को समावेश करते हुए एक बजट बनाने की कोशिश की गई होगी। और बजट भाषण की अगर बात करते हैं, जाहिर तौर पर जैसे अभी तक के कई रिकॉर्ड छूटे, तो माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि इस बार का बजट पिछली बार का जो तेरहवां बजट है, इससे पहले हमने बजट, पूर्ण बजट और अंतरिम बजट देखा है, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग है। एनडीए की सरकार है, ऐसे में अलग अलग दलों के साथ भी सबकी जो विश लिस्ट थी वो भी यहाँ पर रखी गई, लेकिन कैसे आपको लगता है कि उन चुनौतियों को पार करके खासतौर पर जो सहयोगी हैं, जो कि लगातार मांग कर रहे थे विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के भी, बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में मांग की गई, उसको लेकर के भी क्या इस बजट को आप कैसे देखती हैं? क्या सभी को साथ लेकर के, जिसका जिक्र बार बार होता है कि सर्वसमावेशी होगी, क्या वैसा ही कुछ झलक यहाँ पर देखने को मिलेगा? देखिए, सरकार के गठन के बाद से पहले दिन से एक अनुमान ये था कि इस बार की सरकार में बहुत सारी चुनौतियां होंगी सबको साथ लेकर चलने वाली, क्योंकि हर किसी के अपने अपने निजी हित हैं। आपने आंध्र प्रदेश का जिक्र किया, आपने बिहार का जिक्र किया, अब बिहार का एग्जाम्पल लेते हैं तो जिस तरह से कल वित्त राज्य मंत्री की ओर से एकदम क्लियर कर दिया गया, देखिए सोचिए सरकार में अपने ही लोग सवाल पूछते हैं अपनी सरकार से कि बताइए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता तो क्यों नहीं मिल सकता। फिर वित्त राज्य मंत्री साफ साफ कह देते हैं कि ये प्रोविजन ही नहीं है और ये पॉसिबल ही नहीं है। तो क्लियरली एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, या फिर अगर आप संसद में सवाल पूछेंगे तो हम इससे दबाव महसूस करने वाले, ये डे वन से बड़ा क्लियर है। अब जिस तरह से आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, चंद्रबाबू नायडू का जिक्र हुआ, तो वहां पर भी बार बार हर मौके पर दिखाने की कोशिश की गई कि अगर किसी को ये लगता है कि दबाव बनाया जा सकता है तो ये गलत फहमी में है। हम जनहित में कार्य कर रहे हैं और पहले दिन से यही संदेश देने की लगातार कोशिश की जा रही है। और कल उसकी वानगी भी देखने को मिली, जब बिहार के विशेष राज्य की बात की जाती है तो बड़ा क्लियरली स्पष्ट रूप से बजट से पहले यह कह दिया जाता है कि यह पॉसिबल नहीं है। तो यह बड़ा क्लियर कट संदेश है कि हम हमारे हिसाब से आपको साथ लेकर सरकार चलाएंगे, जनहित की जिसमें बात होगी, लेकिन ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलने वाली है। अहम पहलू आपने कहा पूजा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि सरकार की तरफ से इसको लेकर के पहले ही संकेत दे दिए गए कि हम सबको साथ लेकर के चलेंगे और किसी भी तरह का कोई दबाव जो है वो काम नहीं आएगा। अभी आप स्क्रीन पर अखिलेश को भी देख रहे, अखिलेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी कनेक्टेड है, दो खास मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, भव्य वालिया जो कि CM, आपका स्वागत करती हूं भव्य। इसके अलावा अनुराग तिवारी शिक्षाविद के तौर पर भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन भव्य, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आम जनता को और मिडिल क्लास को, हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं क्योंकि जो बजट की जो तकनीकी होती है वो तो बहुत लोग नहीं समझे, लेकिन ये हर कोई समझता है कि इसको टैक्स कितना पे करना है, इनकम टैक्स में क्या बदलाव होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन में क्या बदलाव होगा, ATC में क्या बदलाव होगा। इस बार जब मोदी 3.0 का पहला बजट आ रहा है तो आपकी क्या उम्मीदें हैं आयकर को लेकर? आदमी को उम्मीद और कयास सिर्फ इनकम टैक्स के छूट की रहती है, और ये कयास कई वर्षों से लगाए जा रहे हैं पर मोदी गवर्नमेंट ने अभी तक वो पूरा नहीं किया था उम्मीद को। लेकिन इस बार ज़रूर ये उम्मीद है कि इनकम टैक्स स्लैब्स में चेंजेस भी आएंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन की एक्सपेक्टेशन है कि 50,000 से 1,00,000 कर दी जाए, जो टैक्स मिनिमम टैक्स एग्जम्पशन है वो 2,50,000 से बढ़ाकर 5,00,000 कर दी जाए। देखिए, एक बड़ी चीज़ समझने की ये है कि मिडिल क्लास को उम्मीद तो हमेशा से रही है, लेकिन इस बार क्या बदला है कि मिडिल क्लास की ये उम्मीद एक नेशनल इंटरेस्ट से अलाइंड है, क्योंकि हम लगातार ये बात करते हैं कि GDP बढ़ाना है, हमें उत्पाद बढ़ाना है, तो अगर उत्पाद बढ़ाना है तो हम सिर्फ निर्यात पे आश्रित नहीं रह सकते, हमें डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा, और अगर कंजम्पशन बढ़ाना है तो मिडिल क्लास की खर्च करने की क्षमता, उनके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए जो इस बार की टैक्स एग्जम्पशन की उम्मीद है वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट से भी अलाइंड है। इसीलिए देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, इस बार उम्मीद बहुत स्ट्रांग है कि टैक्स एग्जम्पशंस में इजाफा मिलेगा। महिलाओं के लिए क्या कुछ खास हो सकता है? महिलाओं के लिए टैक्स पर्सपेक्टिव से बहुत कुछ, देखिए जेंडर पे गैप इज अ ग्लोबल फिनोमेना, जेंडर टैक्स गैप कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, तो टैक्स ऑप्स तो महिलाओं के लिए कोई अलग से उम्मीद नहीं कर सकते। बट हाँ, जैसे कि अंतरिम बजट में भी एक दिशा दिया गया थी महिलाओं के लिए, जैसे ग्रामीण महिला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सॉफ्ट लोन्स, सीड लोन्स, बेटर इंक्लूजन इन बैंकिंग सेक्टर, उसके लिए पहले भी इंडिकेशंस दिए गए हैं और उसी का एक्सपेंशन, जैसे कि अभी आप भी कह रहे थे कि कुछ नया करने के बजाय जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है उनका एक्सपेंशन और स्ट्रेंथनिंग की ज़्यादा उम्मीद है। तो सेम लाइंस पर महिलाओं के लिए भी, जो उनके
फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की जा रही है, लखपति दीदी की बात की जा रही है, बैंकिंग सेक्टर में उनको ज़्यादा इनेबलमेंट किया जाए उस पर जरूर काम। मुद्रा लोन योजना में भी हमने देखा है कि किस तरीके से सरकार आगे बढ़ी है और रियायत भी इससे पहले दी गई। लेकिन अनुराग जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि एजुकेशन सिस्टम की जब बात होती है, देखिए हमारे देश में हम माने या ना माने बेरोजगारी तो बड़ी समस्या है, लेकिन इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि कहते हैं कि बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। कौशल विकास भी इसमें से एक अहम हो जाता है। एज अ शिक्षाविद, आप इस बजट से एजुकेशन सेक्टर के लिए क्या उम्मीदें कर रहे हैं? देखिए, सरकार बहुत गंभीरता से इस चीज़ को ले रही है और जितने भी बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किए हैं, ये पांचवा बजट उनका होने जा रहा है, पूर्ण बजट, तो मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा को लेकर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर सरकार का काफ़ी फोकस रहा है। पिछला जो आम बजट था उसमें करीब 1,00,000 करोड़ का फंड बनाया गया था जो केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का था। और आप देखेंगे कि जो विकसित देश हैं आज के समय में, उनका सबसे अधिक जो फोकस होता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होता है। क्या होता है कि जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देश को आगे लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने देश को 10 से 20 साल आगे तक लेके जा रहे हैं। उन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं आप, आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर अडॉप्ट करना है, आपको वर्चुअल रियलिटी को अडॉप्ट करना है, तो R&D में आपको खर्चा करना पड़ेगा। और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन चीज़ों को आप स्कूल और कॉलेज लेवल तक इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि वही बच्चे आगे जाएंगे और उसमें उनकी दिलचस्पी होगी तो देश को आगे लेकर जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण आज के बजट में ये है कि जो R&D का प्रोविजन है, जो पिछले बजट में लाया गया था, उसको और कितना बढ़ाया जाता है और उसको ग्राउंड रियलिटी पर आप जो छोटे शहरों में जाएंगे, जो स्कूल हैं, जो कॉलेज हैं, उसमें इम्प्लीमेंट करने का क्या आप एक बेहतर आइडिया लेकर आते हैं, बेहतर उपाय लेकर आते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में तो सरकार इजीली इम्प्लीमेंट कर देती है, लेकिन प्रॉब्लम आती है जो प्राइवेट ऑन्ड स्कूल हैं, उसमें इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी समस्या आ रही है। चीज़ क्योंकि अभी जो एलोकेशन है वो GDP का 2.5% है मेरे ख्याल से। कहा यह भी जा रहा है कि इसको बढ़ा करके हो सकता है कि GDP का 5-6% एजुकेशन सिस्टम के लिए किया जा सके। एक ये सवाल, और दूसरा ये कि जैसे AI जैसी तकनीक है जिसको हाल में लेकर के सरकार की तरफ से काफी ज्यादा कदम बढ़ाए गए, क्या आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में भी इसको इस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है? बजट में इसको लेकर के कोई प्रावधान? जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि AI आने वाले जो भारत है या पूरी दुनिया है उसका भविष्य है, और ये केवल हम लोग नहीं कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है और सरकार भी इसको बड़ा सीरियसली ले रही है। और क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है शिक्षा में AI? आप देखें कि आज के समय में जो दुनिया के बड़े ग्लोबल टेक हैं वो सबसे ज़्यादा जो अपने स्टार्टअप में या अपनी कंपनी में जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो AI है। और AI में अगर आज के समय में सरकार इन्वेस्ट करेगी तो केवल शिक्षा को इम्प्रूव नहीं करेगी, वो आने वाले समय में नए स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर को भी खड़ा करेगी। और पहले के समय में होता था कि आप फैक्ट्री लगाते थे, आप कोई छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते थे, लेकिन आज का स्टार्टअप सेगमेंट उससे बहुत आगे जा चुका है। स्टार्टअप के लिए भी सरकार क्या प्रावधान करती है ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अश्विनी मिश्र जी भी हमारे साथ बतौर मार्केट एक्सपर्ट मौजूद है। अश्विनी जी, आपका भी स्वागत करते हुए, और कहते हैं कि बजट अच्छा है या फिर किस तरीके का है, मार्केट बहुत अच्छे तरीके से हाल बता देता है। इस बार आप बजट से क्या उम्मीदें कर रहे हैं बतौर मार्केट एक्सपर्ट, और हाल के ट्रेंड अगर मैं 10 साल की बात करूँ तो ट्रेंड्स क्या कुछ रहे हैं? देखिए, ये सरकार बनने के बाद का बजट है और मुझे लगता है कि बजट में सबसे इनिशियली अगर आप देखेंगे तो मार्केट जंप मारेगा, पर जैसे जैसे बजट खुलेगा ये दिखाएगा कि बजट एक्चुअली में पूरी देश के लिए है या कुछ एक स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए है, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर के लिए है। अगर हम अभी जो हम चर्चा भी कर रहे थे, हम AI की बात कर रहे थे, डिजिटल की बात कर रहे थे, एजुकेशन सेक्टर में AI की बात कर रहे थे, अगर आप इंफ्रा देखें एजुकेशन का, जो हम सो कॉल्ड गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह होते हैं गांव वगैरह में, मुझे लगता है कि AI छोड़ दो, अभी तक हमारी डिजिटल में आउटरीच उस लेवल की पहुंची हुई है, हमको ग्राउंड लेवल पर बहुत सारा काम करना है। तो बजट का फोकस मेरे हिसाब से उन क्षेत्रों होना चाहिए जो मास अपीलिंग है, जो मास को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि उन चुने हुए सेगमेंट्स में जहाँ पर हम AI की बात कर रहे हैं, डिजिटल की बात कर रहे हैं। अच्छी बातें हैं, सुनने में अच्छा लगता है। रही बात मार्केट के रिस्पॉन्ड करने की, हमने हर बार ये ट्रेंड देखा है कि जब बजट आने वाला होता है तो मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रहता है। मैं आपको रोक रही हूं, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, पंकज चौधरी पहुंच चुके हैं वित्त मंत्रालय।
एमएस फाइनेंस है, मोदी 3.0 का बजट आज आने वाला है और इसको लेकर के हलचलें बहुत तेज हो चुकी हैं। देखिए पंकज चौधरी जो कि वहां पर पहुंचे थे, तो हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, हालांकि पंकज चौधरी ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन बड़ी खबर ये भी है कि आज बजट पेश करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, आपको एक बार सुनवा देते हैं। प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि सदैव बजट राष्ट्रहित में आता है, उसी प्रकार से ये भी बजट आएगा। बहुत ज्यादा तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि प्रधानमंत्री का जो विजन है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसी के अनुरूप ये बजट होगा। और इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में कहा था, लेकिन जब वो पहुंचे हैं मिनिस्ट्री, उस वक्त की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इसी को लेकर के अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अब ज्यादा वक्त बचा हुआ नहीं है, सिर्फ 3.5 घंटे का वक्त, और उसके बाद खुलेगा वित्त मंत्री का पिटारा, किस वर्ग को क्या मिलेगा सैलरी, जिसकी उम्मीदें इस वक्त बहुत ज्यादा है इनकम टैक्स को लेकर के। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनकी भी अपनी उम्मीदें हैं, जिन 4 जातियों का नाम गैंग का नाम लिया गया था उनके लिए क्या निकल करके सामने आता है, सबकी निगाहें, पूरे देश की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। लेकिन अब बस इंतजार कुछ घंटों का और उसके बाद देश के सामने उसका बजट होगा। ये तस्वीरें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की जब वो यहां पर पहुंचे हैं, मीडिया ने जब उनसे पूछा कि आखिरकार ये बजट कैसा होगा, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, जो विजन है उसी के अनुरूप ये बजट होगा। लेकिन आज जब पिटारा खुलता है, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सातवीं बार बजट पेश करती हैं, तो आखिरकार किन बातों का जिक्र होगा उसमें, किसको मिलेगी आशा और किसे मिलेगी निराशा, और कौन से वर्ग के लिए खुलेगा पिटारा, इन तमाम खबरों पर भारत 24 पर महाकवरेज आप देखेंगे, क्योंकि उम्मीदें इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है आम जनमानस की। बस थोड़ा सा इंतजार और कीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो दिलचस्प है वो देखना कि आखिरकार मिडिल क्लास के लिए, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए आज क्या निकल करके सामने आता है। वैश्विक मंदी के दौर में जो भारत का विजन है, विकसित भारत का, जिस संकल्प को लेकर के भारत आगे बढ़ रहा है, उस संकल्प की सिद्धि में ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। बस थोड़ा इंतजार और उससे पहले महाकवरेज, और उसके बाद भी वित्त मंत्री के बजट भाषण को भी आपको बहुत सरल शब्दों में बताएंगे।